आपको क्या लगता है कि हुडा जी आपको बताएंगे कि उनकी सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है और भूपेंद्र सिंह हुडा जिनको हरियाणा के लोगों ने पहले परखा है, उनके भ्रष्टाचार के कारण हरियाणा के लोग भलीभांति जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की समझदार जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती से विजयी बनाएगी और हुडा जी फिर एक बार विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाए। मुझे इस प्रकार की नाराजगी तो दिखी नहीं। केंद्र में भी लोगों ने मोदी जी पर विश्वास प्रकट किया है तीसरी बार, और 100 दिनों में जो इतने सारे काम हुए, जो हमारे संकल्प पत्र में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को वादा किया है, और जिस प्रकार से कांग्रेस का पर्दाफाश हुआ है कि जो वादा करती है वो कभी खरी नहीं उतरती है, उसको देखते हुए फिर एक बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। राव इंद्रजीत सिंह सर दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज दोनों ने अपनी अपनी दावेदारी की है सर मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और अनुशासन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का निर्णय मुख्यमंत्री का होता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनाने के लिए काम कर रही है, और हम सब मिलकर उनको समर्थन दे रहे हैं, उनके पीछे मजबूती से खड़े।